हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एसी टन क्या है, एक टन में कितने किलोवाट होते हैं। सबसे पहले टन क्या होता है इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टन क्या होता है। टन जो होता है दोस्तों वो एसी का वजन नहीं होता है। अक्सर जब आप एसी खरीदने के लिए किसी दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार आपसे पूछता है, सर आपको कितने टन की एसी लेंगे, आप कितने टन की एसी चाहते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि एसी का वजन है। टन क्या होता है जान लीजिए, यह जो गर्मी की मात्रा होती है जितनी गर्मी को अवशोषित कर लेती है, या जो गर्मी की मात्रा होती है और जितनी गर्मी को अवशोषित कर लेगी उसी को हम टन कहते हैं। हम परिभाषा से इस प्रकार से कह सकते हैं, एक टन उस ऊष्मा की मात्रा उस एक टन उस ऊष्मा की मात्रा मात्रा को कहते हैं जो एक टन बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 24 घंटे में पिघलाकर पिघलाकर पानी बना दे, उसको हम एक टन कहते हैं। दोस्तों जैसे कि टन क्या होता है, टन हमारा एसी का वजन नहीं होता है। एसी हमें कितने टन का चाहिए ये दुकानदार पूछता है, तो उस टन की बात कर रहा हूँ। टन किसे कहते हैं, टन उस ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं जो एक टन बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 24 घंटे में पिघलाकर पानी बना दे, उसको हम एक टन कहते हैं। ठीक है, आप दूसरे शब्दों में आप इसको कह सकते हैं कि अगर एक कमरा है और उसमें एक टन बर्फ रख दें तो उस बर्फ की वजह से बर्फ की जगह पर कमरा जितना ठंडा होगा उतना ही हमारा एक टन होता है। इसे हम क्या BTU से नापते हैं, इसे किस चीज से हम BTU से नापते हैं। ठीक है, BTU का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट या गर्म करने और ठंडा करने का उपकरण है जो ऊर्जा की मापी गई इकाई होती है, उसे हम क्या कहते हैं, BTU कहते हैं। ये हमारा जिसे हम BTU कहते हैं, BTU किसे कहते हैं, यह गर्म करने और ठंडा करने की उपकरण है जो ऊर्जा की मापी गई इकाई होती है, उसे ही हम BTU कहते हैं। अब बात करते हैं BTU क्या होती है, इसे टन कैसे निकालते हैं, इससे हम टन कैसे निकालते हैं, BTU क्या होती है और इससे हम टन कैसे निकालते हैं, ये भी जान लीजिए आप। BTU क्या होती है, टन कैसे निकालते हैं, ठीक है, BTU क्या होती है, टन कैसे निकालते हैं। एक BTU बराबर होता है 0.00029307 किलोवाट के बराबर होता है। एक BTU बराबर होता है 0.00029307 किलोवाट के बराबर होता है, या .00039301
एचपी यानी कि हार्स पावर के बराबर होता है। एक चीज और जान लीजिए दोस्तों, एक टन 12,000 BTU के बराबर होता है, ठीक है, एक टन 12,000 BTU के बराबर होता है। एक टन अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं, तो कैसे करेंगे ये भी जान लीजिए दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एसी बहुत ही टिपिकली, जैसे कि दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे इंटरव्यू में आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, एसी में टन क्या होता है, ऐसे पूछ सकते हैं। तो आप अगर समझेंगे, अगर जानेंगे तो आप बता सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ एक टन को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। एक टन बराबर होता है 12,000 BTU, ठीक है, तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब ये हम कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। एक टन यानी कि कितना, 12,000 BTU, 12,000 BTU होता है, और एक BTU बराबर कितना होता है, एक BTU बराबर जैसा कि हम जानते हैं 0.00029 किलोवाट होता है, ठीक है, तो हम इसे किलोवाट में कर देते हैं। इसका क्या करेंगे, इसी में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.00029 इसका हम गुणा करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 3.5168 किलोवाट। ये हमारा क्या आ गया, एक टन कितने हजार, 12,000 BTU के बराबर होता है। उसके बाद BTU का जो एक BTU बराबर में कितना होता है, ये इतना होता है, इतना किलोवाट होता है, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इतना किलोवाट आ गया, ठीक है। आपको जानना इंपॉर्टेंट है कि 3.5 BTU एक वाट के बराबर होता है। BTU की बात करें तो जो BTU होता है वो BTU किसे कहते हैं, अगर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, जैसे BTU पूछ लिया इंटरव्यू में कि BTU किसे कहते हैं, तो इसे भी आप जान लीजिए। एक पाउंड पानी का तापमान 1 डिग्री फारेनहाइट बढ़ाने के लिए 1 डिग्री फारेनहाइट को BTU कहते हैं। जैसा कि एक टन बराबर 12,000 BTU होता है, तो अगर दो टन की बात कर लें तो दो टन में हो जाएगा 12,000 गुणे दो, यानी कि 24,000 BTU। एक स्क्वायर फीट को ठंडा करने के लिए करीब हमको 200 BTU पर हावर यानी कि पर घंटे खर्च करना पड़ता है। कितना, एक स्क्वायर फीट को ठंडा करने के लिए हमें 200 BTU पर हावर्स घंटा खर्च करना पड़ता है, ठीक है, या हावर्स खर्च करना पड़ता है। यह हम कैसे पता कर सकते हैं कि एसी अच्छी होगी या इस एक टन की अच्छी होगी या इससे अधिक टन की अच्छी होगी, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि 100 स्क्वायर फीट यानी कि 10 फुट लंबाई और 10 चौड़ाई कमरे की है, लंबाई 10 फुट और चौड़ाई 10 फुट, तो हमें कितनी टन की एसी की आवश्यकता है। अगर 10 फुट लंबाई और 10 फुट चौड़ाई है
तो आपको एक टन की एसी बहुत आराम से ठंडा करेगा और बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ 150 स्क्वायर फीट कर दिया जाए, 150 स्क्वायर फीट 10 फुट लंबाई और 15 चौड़ाई, तो यहाँ 1.5 यानी कि 1.5 टन एसी बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। वो अगर कहीं यहाँ 200 कर दिया जाए, 200 स्क्वायर फीट यानी कि, तो इसके लिए आपको 2 टन एसी की जरूरत होगी। ये आप अपने जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं या अपने जरूरत के अपेक्षा ले सकते हैं। वैसे भी अगर आप एसी 25.5 डिग्री सेल्सियस यानी कि तापमान पर एसी चलाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतर होगा ये एसी। दोस्तों जैसा कि मैं बताया कि एसी 10 क्या है, एक टन को किलोवाट में कैसे करें, टन क्या होता है, ये सब मैं आपको बताया, BTU क्या होती है इसे भी बताया। दोस्तों एक बार फिर मैं बता दूं कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।